दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति में, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, कि एक नया ट्विस्ट आने वाला है। अब ये ट्विस्ट किस तरह का होगा वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है इन दो सीटों पर आए परिणाम के बाद। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि मैच 1-1 पे ड्रॉ हो गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मोकामा में उसने बेहतर प्रदर्शन किया और 27 सालों के बाद जब चुनाव लड़ने गई तो पहली बार ऐसा हुआ था कि एनडीए को 60,000 से ज़्यादा मत मिले। इसके पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर चिराग फैक्टर बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं उनके जाने से काफ़ी असर पड़ा, हालांकि उन्हें और थोड़ा पहले बुलाया जाता तो इसका असर और परिणाम कुछ और हो सकता था। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश नज़र आ रही है, वहीं उसकी तैयारियां कम नहीं हुई है। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिहार में अलग थलग पड़ गई है, वहीं महागठबंधन 7 दलों और उसके साथ साथ बाहर से भी समर्थन करने वालों के साथ अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है। भले ही चुनाव प्रचार में नहीं गए हों, लेकिन एक संदेश तो निश्चित रूप से बिहार की जनता और खास करके मोकामा गोपालगंज की जनता को गया कि महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। कई दलों ने अपील भी किया जिसमें मुकेश सहनी भी शामिल थे। एक चुनाव और आने वाला है कुढ़नी का, और ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है। उनके जो विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद वहाँ उपचुनाव की घोषणा की गई है। हालांकि इस सीट को लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में इस जो दो सीटों के परिणाम आए हैं उसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आ रहा है वो एनडीए के भीतर आ रहा है। एनडीए के भीतर इस ट्विस्ट का सबसे बड़ा कारण है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं उनके बीच सुलह का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिया है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है, इस फाइनल डील में किसको क्या मिलेगा, उसकी कुछ झलक जो है वो सूरजभान सिंह ने बताई। सूरजभान सिंह का कहना था कि दलितों के सबसे बड़े नेता इस देश में अगर कोई है तो रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने अपने मेहनत से ये साबित किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिला। सूरजभान सिंह ने जब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दो खंडों में बटी थी तब भी ये कहा था कि ये क्षणिक है, एक टाइम के लिए टाइम फ्रेम में इसको किया जा रहा है और आने वाले समय में पार्टी और परिवार अलग अलग नहीं है, परिवार है, कभी भी एक साथ आ सकते हैं। अब सूरजभान सिंह को ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि वो जिम्मेवारी दी है कि उस डील के शर्तों के अनुसार वो आगे की रणनीति तैयार करें और दोनों को एकजुट करें। इस बीच में हमने आपको बताया था कि पशुपति कुमार पारस के तरफ से भी सिग्नल ये लगातार आ रहा है कि उन्हें चिराग पासवान से कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को लेकर के प्रिंस राज ने भी अपनी बात रखी थी, उसको भी हमने आपको दिखाया। लेकिन बिहार में तेजी से बन रहे फैक्टर को लेकर के कहा यह जा रहा है कि चाचा और चिराग फैक्टर जो है एक जगह जुट जाता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए एक नया फैक्टर जरूर सामने आ जाएगा और दलित वोटों को एक जगह समेटा जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार चल रहे इस बैठक और बातचीत के दौर में चिराग पासवान ने भी संकेत दिया था कि अमित शाह से उनकी बात लगातार हो रही है, कई दौर की बातचीत हो गई है, फाइनल बातचीत वो चुनाव के बाद जब बैठेंगे तब करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में एनडीए अकेले नहीं रहेगी। और इतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ी बात है कि कुढ़नी चुनाव में नामांकन से पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जिस तरह से मुकेश सहनी को महागठबंधन के तरफ से भाव नहीं मिल रहा है, मुकेश सहनी के तरफ पासा फेंका है और चिराग पासवान सहित सूरजभान सिंह इन सारे विषयों को देख रहे हैं और बिहार में किस तरह से लीड करेगी भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान के युवा चेहरे पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे बढ़ा सकती है। इन सारी बातों को लेकर के जो शर्तें हैं वो अब बहुत जल्द आपके सामने होंगे। किन शर्तों पर, किस फॉर्मूले पर ये सब कुछ तय हुआ है बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।